स्वदेश वाणी। डीसी ने किया शहर के पूजा पंडालों का निरीक्षण। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, पुलिस अधीक्षक अमित रेणु, एसडीएम विशालदीप खलको और उपनगर आयुक्त राजेश प्रजापति ने आज गिरिडीह शहर के पूजा पंडालों का निरीक्षण किया। इस दौरान शहर के पूजा पंडालों के साथ साथ प्रतिमा विसर्जन स्थल मानसरोवर तालाब का भी निरीक्षण किया। मौके पर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने पूजा समिति के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह पूजा पंडालों में सीसीटीवी कैमरा लगाएं। इसके साथ ही साथ दर्शनार्थियों के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार और निकासी द्वार का व्यवस्था करें। भीड़ जमा नहीं होने दें। कोविड-19 के प्रोटोकॉल का नियम अनुसार अनुपालन करें और किसी भी तरह की अशांति होने पर तत्काल इसकी सूचना जिला प्रशासन को दें। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को व्यवस्था करने की पूरी जिम्मेदारी दी। साथ ही यचनित स्थलों पर दंडाधिकारी साथ साथ पुलिस बल की तैनाती करने का निर्देश दिया गया। मौके पर सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव भी उपस्थित थे। सबको लेकर जिले भर में जितनी भी पूजा पंडाल आयोजन समितियों द्वारा बनाए गए हैं उनका निरीक्षण किया जा रहा है और सभी पूजा समितियों को निर्देश दिया जा रहा है कि सरकार द्वारा जितने भी कोरोना से संबंधित गाइडलाइंस हैं उनका पालन किया जाए। जगह जगह पर ड्रॉप गेट्स और बैरियर बनाकर गाड़ियों का प्रति निषेध किया गया है। हर एक पूजा पंडाल में लोगों के दर्शन करने की अलग अलग कतारें रहेंगी। किसी तरह का मेला नहीं लगेगा, किसी तरह के डीजे और बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। सजावट की आवश्यकता अनुसार ही लगी रहेगी। कुल उद्देश्य यही है कि पूजा के समय कोरोना गाइडलाइंस का भी उचित पालन हो जाए तथा त्यौहार भी काफ़ी अच्छे उत्साह के साथ मनाया जाए और जिले में सफिशेंट संख्या में मैजिस्ट्रेट्स एवं पुलिस फोर्स का डेपुटेशन किया गया है। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही सुलभ तरीके से दुर्गा पूजा का आयोजन जिले में संपादित किया जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।